आगे भी प्यार को पर भाईचारा बना रहेगा, इलेक्शन अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह। कोई गर्मी का माहौल नहीं है इस गांव में, भाईचारे से इलेक्शन हो रहा है। इन लोगों के उत्साह के कारण हरियाणा वो मतदान ज्यादा से ज्यादा कर एक रिकॉर्ड पेश करेगा। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर चुनाव में सारे कर्मचारी एक शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। जो लोकसभा का चुनाव है वो किस तरह से हो रहा है और निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। हमारे बीच में देखिए किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है इस गांव के अंदर। और अभी आप वोट डाल कर आए हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गुलजार सिंह। गांव कौन सा? टुंडला। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपको वोट डालते हुए कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और जो सरकार के जो इलेक्शन कमीशन ने जो अरेंजमेंट किया है उसके उससे आप संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट हो। अब हमारे बीच में बूथ नंबर 19 अंबाला लोकसभा क्षेत्र में विशाल जी हैं जो प्रेजाइडिंग है, ये हमें बताएंगे। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। विशाल जी, आपके यहाँ पर कितने वोटिंग है? टोटल 1030 वोटर हैं। तो कितनी पड़ गई हैं अभी तक? 200 से ऊपर चली गई हैं। तो कितने परसेंटेज हो गया एस्टिमेट? थोड़ा ही हुआ, अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ, धूप की वजह से आ नहीं रहे हैं लोग। अच्छा। आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये बताना जो सरकार ने अरेंजमेंट किया, निष्पक्ष होकर बताना कि उस अरेंजमेंट से आप संतुष्ट हो? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल। तो सरकार आपको सही टाइम पर पानी वगैरह, ठंडा पानी अरेंजमेंट इस तरह का हो रहा है जी। अच्छा, एक चीज़ और बताना कि जैसे कोई विकलांग व्यक्ति आता है, कोई बुजुर्ग आता है, वो भी लाइन में करता है कि उसके लिए आपने अलग से कोई फैसिलिटी? नहीं, उसको हम लाइन में आगे लेके आते हैं और उसके पहले वोट डलवाई जाती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये हमारे बीच में बूथ नंबर 19 के प्रेजाइडिंग विशाल जी थे। देखिए हम आप खड़े हैं यहाँ पर, कुणाल जी हमारे बीच में आ गए हैं। कुणाल जी, कैसा लग रहा है इस वक्त? जो भीषण गर्मी लग रही है ऊपर, ठीक है जी, और यहाँ भी कोई गर्मी का माहौल नहीं है इस गांव में, भाईचारे से इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? देखो, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे आकर बातचीत कर रहे हैं। पर भीषण गर्मी के बावजूद जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, उसी तरह से लोगों में वोटों को देने का रुझान और इसी तरह वोट देने की भी लोगों में पूरी गर्मी है। इस तरह पूरा मतदान, और आप देख ही रहे हैं, भीड़ आपने देखी है, कैमरा आप अपना घुमा कर देखेंगे। कैमरा घुमाइए राकेश जी, पूरा कैमरा घुमा के दिखाइए लोगों को। रश है, लोगों को गर्मी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 5 साल में एक बार हमने अपना मतदान जो करना है वो करना जरूरी है और देश के हित के लिए करना है। इसलिए आप देखिए इस टाइम पूरा रश हुआ हुआ है यहाँ पे, भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में पूरा उत्साह है। तो आप हमें ये बताइए कि जो सब मेन जो इलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान में, वोटिंग परसेंटेज कम गई है, तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ना हो, सरकार ने जो अरेंजमेंट किया उससे आप संतुष्ट हो? देखो, सरकार के अरेंजमेंटों से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अच्छा, आप जो वोट है जो रह जाएंगे उसको डालने की जिम्मेवारी आप ही की है, क्योंकि सरकार अरेंजमेंट कर सकती है, फैसिलिटी दे सकती है, लेकिन जो जज्बा है वो आप जैसे नौजवान ही देंगे, कि जो वोटें रह गई हैं उनको बाहर लाकर वो देखिए हमारा एक है कि 4 बजे तक जो स्वेच्छा से जो वोट डाल लेते हैं और डाल लेते हैं, उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम पूरी तरह से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब सुचारू रूप से जाकर घरों में भी जाएंगे, पूछ के आएंगे एक बार कि किसी की वोट रह गई है, तो हम अपने साधन पे चाहे किसी भी तरह भी उनको यहाँ तक पहुँचाना हमारी जिम्मेवारी है। देखिए किस तरह से हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर उत्साह है, और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव के अंदर हमारी बहनें माताएँ सभी इस लाइनों में खड़ी है इस भीषण गर्मी के अंदर। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? सीमा देवी। आप ये बताइए, जो यहाँ पर आप वोटिंग पे खड़े हो, सरकार ने जो अरेंजमेंट किया उससे आप संतुष्ट हो? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, पहली बार वोट कौन डाल रहा है? अच्छा चलो, क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, आप कहाँ रहते हो? मैं डिफेंस कॉलोनी। अच्छा, ये बताना कि जो अरेंजमेंट सरकार कर रही है, ठीक है ना, उससे आप संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? नीरज। नीरज, कहाँ रहते हो आप? ये गगन विहार टुंडला। गगन विहार, सब ठीक चल रहा है? हाँ, दिक्कत नहीं आ रही? नहीं। आप, हम आपसे एक जरूर कहेंगे, जैसे मतदान कम हो रहा है लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी आप अपने और लोगों को कहो कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है हिंदुस्तान के हर आवाम का, कि आज ही का दिन होता है जब आवाम के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन आपका मत का प्रयोग जरूर करें। अब हम आगे पूछते हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? निर्मल बाल। ऊँची बोलिए। निर्मल। हाँ जी, क्या कहाँ रहते हो? टुंडला। टुंडला, अच्छा, कैसा अरेंजमेंट लगा आपको? ठीक है, बढ़िया। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। यानी गर्मी के अंदर भी ठंड लग रही है? गर्मी में गर्मी लग रही है, ठंड अच्छा, <नहीं जा। laughs> अच्छा, क्या नाम है आपका बेटे? दीपक। दीपक जी, कितनी देर से लाइन में खड़े हो? गया एक घंटा। एक घंटा, ठीक लग रहा है? ठीक है। कैसा लग रहा है, हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है, आप सरकार चुनने जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, तीसरी वोट है मेरी, तीसरी बार डाल रहा हूँ वोट। अच्छा, तीसरी बार डाल? अच्छा ठीक है। या इस जगह पर
टुंडला गांव की वोटिंग हो रही है और वोटिंग के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से, राकेश जी कैमरा दिखाइए, लोग किस तरह से एक पर्व का वेट कर रहे हैं, अपनी वोटिंग का वेट कर रहे हैं और लाइनों में खड़े हैं। इससे ये लगता है कि यहाँ पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है, किस सद्भावना से वोटिंग हो रही है। आप ये देख सकते हो कि लोगों के अंदर उत्साह, उस साइड भी करिए जी राकेश जी, उस साइड भी दिखाइए किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है। यानी आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा के लोगों में जो जोश है, एक वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। जो मतदान बहुत चरणों में कम हुआ है, लेकिन ये लगता है कि शाम तक इन लोगों के उत्साह के कारण हरियाणा वो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर एक रिकॉर्ड पेश करेगा। अब हम खड़े हैं अम्बाला क्षेत्र, अम्बाला के टुंडला जो गाँव है वहाँ पर खड़े हैं और हम यहाँ पर पता करते हैं कि क्या स्थिति है, वोटों की कितनी स्थिति है, कितनी परसेंटेज वोट पड़ चुकी है और हमारे बीच में आप कौशल जी खड़े हैं। कौशल साहब नमस्कार। अच्छा ये बताना कि जो मौजूदा स्थिति है वो क्या कैसा लग रहा है आपको? मौजूदा स्थिति आज चुनाव का महापर्व है और लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। 31% के लगभग अभी तक यहाँ पोलिंग हो चुकी है और पूरा अरेंजमेंट कर रखा है अंदर, पंखों का, पानी का, और जो है वोटरों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा ये तरह जो विकलांग है, जो विकलांग है उसके लिए भी इन्होंने की बंदोबस्त किया? विकलांग के लिए सीधा अपनी गाड़ी आप लेकर ले जा सकते हो और वो सबसे पहले वोट डालेंगे। 60 साल से जो ऊपर है उनको भी वोट डालने में प्रेफर है। अच्छा जैसे चुनावी लोग भी आजकल चिंतित है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है, तो आपने भी कोई इस तरह से प्रोग्राम किया है ताकि जो वोटें रह गई हैं उनको घरों पर लेकर आने के लिए? उनके लिए हमने जो है वो टेम्पू लगाए हुए हैं, ई रिक्शा लगाए हैं, ई रिक्शा से वो जो है वो लेकर आए। अच्छा कितनी वोटिंग यहाँ पर है टोटल? यहाँ पर 5,000 से ऊपर वोटिंग है, 4 बूथों। अच्छा कितनी रह गई है? गर्मी की वजह से भी ना लोग सवेरे बहुत जल्दी आगे एक बार वापस जा चुके हैं, वोट जल्दी लेने लगे। तो जो यहाँ पर चुनाव लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रबंध किए हैं उस प्रबंध से आप संतुष्ट हो? एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रबंध करे हैं ना जी, वो सारे प्रबंध बढ़िया करे हैं। खाने का प्रबंध जो है गाँव ने, चाहे वो सब दलों ने करा है, वो खाने के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र आप ये कह रहे हैं चुनाव का पर्व सभी दल मिलकर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और एक भाईचारा भी गांव ने कायम किया है और ये गांव एक मिसाल बन चुका है। और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं हरियाणा के सभी लोग इस गांव को मिसाल भी समझ सकते हैं कि इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन हो रहा है और सब एक दूसरे को एक भाईचारे तरीके से शांति शांति का पर्व होता है। यहाँ कोई गाँव में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शाम को आराम से जो है भाई हमारे गाँव में आज तक आगे भी प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहेगा। इलेक्शन अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह।